लिखना चाहिए। लिखना अच्छी बात है, इसलिए नहीं कि कोई पढ़े और कहे वाह क्या खूब लिखते हो। लिखना चाहिए, लिखना अच्छी बात है, इसलिए नहीं कि कोई पढ़े और कहे वाह क्या खूब लिखते हो, पर इसलिए कि कभी एक बरस बाद में, कि कभी एक बरस बाद में अलमारी की सफाई में पुरानी डायरी मिल जाए तो खुद से खुद की मुलाकात हो जाए, तो खुद से खुद की मुलाकात हो जाए। खुद से मिलना चाहिए, खुद से मिलना अच्छी बात है। जैसे सालों बाद बंद पड़ी पुरानी कार से चादर हटाना, जैसे गर्मी लौट आने पर पुराने कूलर की घास बदलना, एक अरसे बाद बचपन के यार से मिलना, जैसे पंछियों का सांझ तले घर लौटना, जैसे बरसों से बंद खिड़की की चिटकनी खोलना, जैसे पुराने कोट में 10 रुपए का नोट मिलना। खुद से मुलाकात खुशी देती है, आईने में देखो जरा आप अपने आप को मुस्कुराते हो। लिखना चाहिए, लिखना अच्छी बात है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र नंदकिशोर और मेरे साथ में आज काफ़ी टाइम से चाहता था कि प्रांजल और हम लोग साथ में जो है वो वीडियो बनाएं, सो फाइनली प्रांजल इज हियर। और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो प्लान किया था पर किसी कारण से वो वीडियो जो है वो कैंसिल हो गया, पर ठीक है आज हम दोनों वापस फिर से साथ में हैं और अपनी माटी की इस स्पेशल टॉक में आप लोगों का स्वागत। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बड़ी इनफॉर्मल सी होगी, तो इसमें मतलब बहुत सारी ऐसे जगह आएगी जहाँ लगेंगे कि क्या है, मतलब आप तो जनरल बात कर रहे हैं बट ठीक है, मुझे लगता है कि माहौल को थोड़ा जो है लाइट करना चाहिए। फ्रेंडली तो आज की जो हमारी बात रहेगी वो इस चीज़ पर रहेगी कि जो हॉबीज़ होती हैं या जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे प्रांजल को आपने देखा अभी गिटार बजाते हुए, मैं थोड़ा कुछ लाइनें लिखता हूँ, ठीक है जैसे भी लिखता हूँ बट मेरी हॉबीज़ हैं तो बस करता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ मुझे खुशी देती है, बाकी किसी को अच्छी लगे ना लगे उससे उसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ पर मुझे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले प्रांजल से जो है मैं क्वेश्चन पूछूंगा। प्रांजल आप मुझे बताओ कि हॉबीज़ का आपके लाइफ के अंदर क्या रोल है। हॉबीज़ सर बेसिकली खुद से आप मिल पाए और ख़ुद को थोड़ा जान पाए या खुद के बेस्ट कुछ कर पाया, तो बेसिकली हॉबीज़ यही डिफ़ाइन करती है मेरी नज़र में। और आपकी जो भी पोटेंशियल है वो आप बेसिकली एकेडमिक्स में उसमें तो लगाना मैंडेटरी होता ही है नॉर्मली, और करना ही है वो काम हमें, एजुकेशन वगैरह वो सब, उसके अलावा जो हम अदर एक्टिविटीज़ देखते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट जाता है और हम सबकी लाइफ में होता है कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ टाइम के साथ वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं या कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ हॉबीज़ को डिफ़ाइन करती है मेरे लिए कि मैं जितनी अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँ, उनको एक्सप्लोर करूँ और उनसे थोड़ा कुछ सीखूँ और थोड़ा अपना उसमें कुछ ऐड करूँ, तो ये मेरे लिए हॉबीज़ सिंपली मैटर करती है। तो हॉबीज़ को लेकर जैसे एक एक नॉर्मल नोशन होता है कि जैसे अभी आजकल जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो गए या कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हो गए, स्कूल के बच्चों को बोला जाता है कि आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, उसी से आपका करियर जो है वो निकल कर आएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ करो जिससे आपकी नौकरी जो है वो सेट हो जाए, लाइक जिससे आप इंग्लिश सीखने चले जाओ या आप कोई पीडी की क्लासेस ज्वाइन कर लो, इंटरव्यू स्किल सीखो, इंटरव्यू क्रैक करो, अच्छी नौकरी पाओ या कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग जाओ। तो इन सारी मशक्क़तों के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो हॉबीज़ जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पर आ जाती है, तो उसको लेकर आपका क्या सोचना है कि मतलब क्या मतलब वाकई में उसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, क्या हॉबीज़ में आप ज़्यादा टाइम देते हो तो आपकी ये दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है या क्या है। हॉबीज़ का सर एकदम से तो कभी नहीं हो सकता है, आपने इसे सोचा है कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ भी अगर ले लें तब तक आपने ध्यान नहीं दिया है, और आपको फिर आगे चल के जैसे लोगों को समझ में आता है कि नंबर्स इतने मैटर्स करते नहीं हैं, पढ़ाई अपनी जगह मेहनत सबको करनी पड़ती है, 90 वाले को भी करनी होगी और कम जो एवरेज उसको भी करनी होगी, उस बीच में अगर अपने इंटरेस्ट को बीच में अगर कहीं छोड़ देते हैं या नहीं डेवलप कर पाते हैं तो फिर कॉलेज के बाद हम ट्राई करते हैं, जैसे मैंने किया था कॉलेज टाइम में ही मैंने ट्राई किया था, तो फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है
और बिल्कुल होता है, और पढ़ाई वगैरह पे आप बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान देंगे तो हाई है वो कि वो उन चीज़ों को हैंडल करेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से टाइम मैनेज करें और प्रॉपर टाइम दें तो वो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट रखेगी आपके वे के ऊपर. अब जिनका अगर शुरू से हॉबी में पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी सपोर्ट करती है, होता है बड़े शहरों में जिनके पेरेंट्स ओपन माइंडेड होते हैं वो बच्चों को करवाते हैं, और स्कूल में भी इस चीज़ को प्रमोट ज़्यादा किया जाता है, तो उनके लिए कुछ मुश्किल होता नहीं है. उनके लिए जैसे खाना खाना हो गया, पानी पीना हो गया, वैसे उनको अपनी हॉबीज़ में टाइम देना हो गया. तो वो बेसिक चीज़ हो गई है कि इस तरह से आप मैनेज उसको कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि वो आपको आपके वे से भटकाने का काम करेगी कभी भी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता नहीं है. और इनफैक्ट मैं और कनेक्टेड फील करता हूँ जब मैं इन मेरी जब हॉबीज़ को टाइम नहीं दे पाता हूँ, तब मैं थोड़ा पढ़ाई जब ज़्यादा होती है तो मैं कर नहीं पाता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं होता है, फिर मैं अपना अलग से टाइम निकालता हूँ, या तो मैं नाइट को जैसे सोऊंगा नहीं, गाने सुनूंगा, कुछ भी करूँगा, तो वो फिर धीरे धीरे टाइम निकालता हूँ. और वीकेंड्स पे कभी भी आप हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता. इसमें जैसे जैसे आपकी हॉबीज़ के बारे में बात करूँ, तो जो मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, जैसे मैंने देखा कि आप चेस खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, इवन टूर्नामेंट्स वगैरह जो है वो भी आपने किए हैं, फिर उसके बाद में आप बैडमिंटन खेलते हैं, फिर उसके बाद में आपको जिमिंग का शौक है, फिर आप म्यूज़िक करते हैं, आप स्केचिंग भी करते हैं, ठीक है. तो मतलब ये इतनी सारी हॉबीज़ को कैरी आप करते हैं, तो उसमें डोंट यू फील कि यार कि मतलब मुझे ऐसा लगता है इतनी सारी हॉबीज़ हैं तो मतलब कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता कि कहीं मिक्स हो जाती है हॉबीज़, या कहीं किसी हॉबी के अंदर आपका इंटरेस्ट कम जाता है या ज़्यादा जाता है, मतलब कैसे मैनेज करते हैं हॉबीज़? अब सर हॉबीज़ का सीधा कनेक्शन मेंटली होता है. जब भी मैं जैसे कुछ म्यूज़िक से मेरा अगर जैसे टकराया, जैसे म्यूज़िक अपन ने लिया, हर चीज़ को मैंने जैसे सीखने में मैंने टाइम दिया है, तो बेसिकली म्यूज़िक में मैंने करीब 6 से 7 महीने लगाए हैं, और स्केचिंग में, स्केचिंग तो जनरली करता रहता हूँ मैं, और हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया. चेस में भी मैंने 5 to 6 months दिए. उस हिसाब से देखा जाए तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ से ट्रिगर होती है वो चीज़, तो मैं उसको इन्वॉल्व कर लेता हूँ. जैसे कभी मैंने कुछ ट्यून सुनी या मुझे मन हुआ कि यार कुछ दिमाग में चल रहा है, ट्यून वगैरह कुछ चल रही है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँगा, गिटार ले लूँगा, पियानो ले लूँगा, तो उस पर मैं उसको बनाऊँगा, काम करूँगा, ठीक है, वो मुझे सेटिस्फेक्शन देगा. और जैसे कभी स्केचिंग का शौक हुआ, मैंने कोई स्केच देख लिया, मुझे बहुत उसको पसंद आया, तो मैं उसको ड्रॉ कर दूंगा. मुझे कोई इतना कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है कि किसी और का ना बनाऊँ या ऐसा ना करूँ, वो जस्ट मेरी एक अंदर की है कि हाँ मुझे पेंसिल चलानी है और उससे कुछ मुझे स्केचिंग करनी है, कुछ ऐसा भी है. तो इसलिए इन्हीं अलग अलग तरीक़ों से हॉबीज ट्रिगर हो जाती है, और बस जनरली ये मैं कैरी आउट करता रहता हूँ. और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कभी कभी होता भी है, कभी कभी ऐसा लगता है कि चेस को मुझे खेले हुए जैसे 3-4 महीने अभी हो चुके हैं. जनवरी में मैंने लास्ट टूर्नामेंट खेला था जिसमें मैं लास्ट मैच में था, और उसमें अगर मैं जीत जाता तो फर्स्ट आ जाता, और अगर उसमें मैं हार गया था फर्स्ट लास्ट वाला, तो मैं थर्ड पोजीशन थी मेरी, तो थर्ड पोजीशन वाले को चेस में प्राइज मिलता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पे ही मिलता है, तो उसमें ये रह गया था. और तो अब मैंने उस टाइम से लेके अभी तक चेस खेला नहीं है अच्छे ओपोनेंट के साथ, और वीडियोस में देखता रहता हूँ, मैचेस के टूर्नामेंट्स फॉलो करता हूँ, तो उससे ठीक है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है. अच्छा, इससे एक बात निकल कर आ रही है बीच में कि जैसे आपकी कोई हॉबी होती है, जैसे सपोज करो मेरी मतलब मुझे अच्छा लगता है स्केचिंग करना या ड्राइंग करना, तो क्या ज़रूरी है कि मतलब मैं इतनी सुंदर ड्राइंग बनाऊँ, इतनी अच्छी स्केचिंग बनाऊँ कि सब लोगों को पसंद आए? अगर मेरी हॉबी है सपोज चेस खेलना, तो क्या मतलब ये ज़रूरी है कि मतलब मैं इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट जीत के दिखाऊँ या नेशनल लेवल या स्टेट लेवल तक जाऊँ? तो हॉबीज़ में क्या अचीवमेंट्स का मतलब कोई रोल होता है कि बस आपको अच्छा लगता है तो यू शुड डू? बिल्कुल, जैसे 2-3 चीज़ें होती हैं, एक हॉबीज़ होती है आपकी, इंटरेस्ट भी होता है, और एक पैशन भी होता है. अब ये तीनों चीज़ों में बहुत माइनर सा एक फ़र्क आ जाता है कि अब हॉबीज़ है, हॉबीज़ का जनरली ये कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, इसको मैं कैसा कर रहा हूँ, कितना अच्छा कर रहा हूँ, उससे मुझे तो कोई इनफैक्ट फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो दूसरों को पड़े ना पड़े उससे मुझे नहीं पड़ रहा अल्टीमेटली. और फिर पैशन एक चीज़ आती है कि मैं उस चीज़ को बहुत टाइम दे रहा हूँ, मेरा मैं बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ. म्यूज़िक के लिए लोग पैशनेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसमें अपना टाइम दे रहे हो, फिर अगर उसमें से रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, फिर आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है कि इतना टाइम देने के बाद भी अगर उसमें से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रहा हूँ. इंटरेस्ट वो चीज़ हो गई, पैशन हो गया. इंटरेस्ट में भी आप लगभग हॉबी जैसा ही है, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है कि उसको मैं अलग से अपना टाइम निकालूं, और इंटरेस्ट ठीक है वो अपने आप डेवलप होता है. तो हॉबीज़ तो पर्टिकुलर यही मैं समझता हूं कि आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से चीज़ को कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसलिए आपको फ़र्क पड़ रहा है उससे, लेकिन आसपास वालों को नहीं पड़ रहा है तो उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए.
और करियर की जहाँ तक बात आती है तो हॉबी को ज़रूरी नहीं करियर बनाया जाए। पेरेंट्स एक्चुअली ऐसा सोचते हैं कि आप हॉबी करना चाहते हो, आप पेंटिंग अगर कोई कर भी रहा है, इंटरेस्ट कर भी रहा है कि मुझे सीखने जाना है, तो ये कमेंट सीधा आता है मुँह पर कि पेंटिंग करके क्या करना है, इससे क्या होगा, पेंटिंग से क्या हो जाएगा, मतलब कौन खरीदेगा और कितना बड़ा बन जाएगा, कि पिकासो ही बन जाएगा या क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यूजिक सीख रहा है तो मतलब इसके अंदर हो रहा है कि लोग जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। बिल्कुल, मतलब एक ये हो सकता है ना, जैसे कि मेरी हॉबी है म्यूजिक करना, ठीक है, अभी म्यूजिक में कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करने के बाद अगर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो मैंने गिटार उठा लिया या मैंने पियानो उठा लिया और मैंने बजाना शुरू कर दिया, ये मुझे रिलैक्स कर रहा है। अल्टीमेटली इसका आउटपुट मेरे पढ़ाई के ऊपर आने वाला है ना, मतलब रिजल्ट जो है मेरा बेहतर होगा क्योंकि अगर मैं रिलैक्स हो गया तो। बट जैसे लोग जनरली आपकी हॉबीज़ को डायरेक्ट ले लेते हैं कि अभी चलो गिटार बजा रहा, तो गिटार बजाने से क्या हो जाएगा, ऐसे 1,00,000 लोग बजा रहे हैं, ठीक है, तो दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड, तो उसको फिर कैसे फेस करेंगे, मतलब क्या 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 बोलेंगे, क्या रिप्लाई करेंगे? अब सर पेरेंट्स की और दूसरे लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि अगर आप किसी चीज़ में टाइम दे रहे हैं, टाइम अगर जा रहा है तो आउटपुट तो होना चाहिए, यूँ कह रहे हैं, इसीलिए ये बात निकल कर आती है कि क्यों फालतू का टाइम उसको दे रहा है, या कुछ रिजल्ट तो आएगा नहीं, तो फिर वो चीज़ करनी क्यों है या रिजल्ट आए नहीं आता है जिसका, तो अब यहीं पर आप आके अटकते हैं कि यार मुझे जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं क्यों इसको अपना टाइम ना दूँ, थोड़ा ही सही यार, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, 6 घंटे का स्कूल चल रहा है, तो क्यों मैं 1 घंटा 2 घंटा नहीं निकाल सकता। ठीक है, सबको रिजल्ट चाहिए होता है, अब इसको फेस करने का यही तरीका है कि मेंटेलिटी अगर चेंज हो, क्योंकि हर कोई जैसे जिस तरह से मैं पेंटिंग को लेता हूँ, हो सकता है किसी को पसंद ना हो, कोई बोले कि नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, म्यूज़िक में होता है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कि ज़्यादा कोई लोग सुनते नहीं हैं, बस हाँ 1 गाना सुन लिया, 2 गाने सुन लिए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं होता है किसी का, तो नहीं होता है उससे, अब वही मेंटेलिटी आती है और वो रहेगी आई थिंक, उसको आप बिल्कुल निकाल दो चीज़ों से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं है एक्चुअली। तो इन चीज़ों को यही है कि आप पेरेंट्स को समझाओ, उनको बताओ साथ में बैठ कर कि इस चीज़ में इतना कुछ होता है, इतने लोग हैं, इस तरह से अफेक्ट करती है। नहीं, पर जैसे कुछ बीच में ठोक रहा हूँ ना, तो कुछ पेरेंट्स का इस तरह से करके होता है कि वो मतलब इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि दे किल दी हॉबीज ऑफ देयर किड्स। एब्सोल्युटली। तो उस केस में उन पेरेंट्स के लिए क्या किया जाए, या फिर मतलब बच्चे को बोल दिया जाए कि ठीक है भगवान आपका मालिक है, मतलब अगर ऐसा है तो, मतलब उसके लिए क्या किया जा सकता है, बिकॉज कि हॉबीज अल्टीमेटली आप एक करियर अलग चीज़ है, हॉबी अलग चीज़ है, तो हॉबी से अगर आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है ठीक नहीं, मतलब हॉबी अल्टीमेटली आपका जो एक पर्सनल उसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम बोलो या कुछ ही बोलो, वो उसको सेटिस्फाई करता है, या आपकी जो आत्मा है उसकी खुराक होती है एक तरह से हॉबी, कि आपको बस करना अच्छा लगता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं कोई भी हॉबी करूँ उसके बदले मुझे कोई मार्क्स मिले, या उसके बदले मुझे पैसा मिले, या उसके बदले मुझे कोई रिकग्निशन मिले, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें ही कर रहे हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि सोशल स्टेटस चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, नाम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हॉबीज़ को अगर इन सब चीज़ों से सेपरेट कर लिया जाए तो क्या मतलब वो ठीक है या फिर नहीं आउटपुट ओरिएंटेड होना चाहिए? आउटपुट ओरिएंटेड तो सर बिल्कुल नहीं उसको कनेक्ट करना चाहिए उससे, क्योंकि फिर वो अलग फेज में चला जाएगा, फिर आपको उसको टाइम देना होगा, आउटपुट ऐसे निकल कर आता नहीं है एक्चुअली। अपन जिस अभी जो कॉम्पिटिटिवनेस जो चल रही है सोसाइटी में, ऐसा मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको म्यूज़िक हॉबी है तो आप उसमें बहुत अच्छा कर ही लेंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे, मेहनत होती है बिल्कुल, आप में कुछ होना चाहिए जो उस चीज़ को आप नेचुरल बना पाएँ, अपने अंदर से उसको निकाल पाएँ, एब्सोल्युटली वो थिंग मैटर करती है अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेशन में जा रहे हैं तो, और आप जब बचपन से उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो आप अच्छा कर पाएंगे। म्यूज़िक जैसे आप किसी भी अच्छे को उठा लें तो वो बचपन से उस चीज़ से कनेक्टेड है तो वो उन्हीं चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं। अब जैसे मैं आप क्वेश्चन में भूल गया एक बार और आप रिपीट करेंगे, मतलब जिसे हॉबीज़ को आउटपुट से कनेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि ज़रूरी ऐसा है कि मतलब आपको अगर हॉबी कर रहे हैं तो उसके बदले आपको या तो पैसा मिलना चाहिए या कोई रिकग्निशन मिलना चाहिए या फिर आपका कोई सोशल स्टेटस जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो क्या मतलब ये ज़रूरी है, या फिर हॉबी को हमें केवल इसलिए करना चाहिए कि जैसे आपका गिटार बजाने में इंटरेस्ट है तो आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मतलब आपकी इनसाइड को सुकून देता है, तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए या फिर आउटपुट ओरिएंटेड होना चाहिए, जैसा कि लोग जनरली क्वेश्चन करते हैं कि इसको करने से क्या होगा? आउटपुट ओरिएंटेड तो जैसा मैंने बोल दिया कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर पैशन या इंटरेस्ट या उस तरफ चला जाएगा। अब हॉबीज़ क्यों होनी चाहिए, ये भी एक सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंस देती है, आप कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा आपको आता है, कुछ लोगों को जिसमें आपका कुछ अपना है, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी को, हॉबीज़ का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ को अपनी तरह से कर रहे हैं, बस
वही चीज़ होती है। फिर आप उसके लिए आउटपुट करेंगे तो फिर आपको उसको प्रोफेशनली सीखना होगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला कॉम्पिटेटिवनेस इतनी ज़्यादा है, हर म्यूज़िक का कॉलेज है, पेंटिंग के सबके कॉलेज है, हर चीज़ का, यहाँ तक कि आजकल कॉलेज हो गया है और हर चीज़ की अलग से पढ़ाई है उसकी, और हर की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, उनमें आप जाएंगे तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने जो भी म्यूज़िक है वो किसी भी पर्टिकुलर किसी से सीखा नहीं, एक्चुअली इंटरनेट से खुद बजा के, और आज भी वैसा ही करता हूँ, वैसे ही बजाता हूँ, पुरानी ट्यून्स उनको बजाता हूँ, स्केचिंग में कुछ पेंटिंग देख ली या कुछ दिमाग में आ रहा है तो बना दिया, नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दिया मैं। तो उसमें अगर मैं अभी रिजल्ट देखूँगा, आउटपुट देखूँगा, तो उसमें मुझे बहुत टाइम देना होगा, नहीं बन रही है तो मैं स्ट्रेस में आऊँगा कि क्यों नहीं बन रही है मुझसे, मैं जब ये काम करना चाहता हूँ या मेरे को मुझे आता है ये काम तो मैं उसको क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये तो फिर आपके बस उल्टा स्ट्राइक करेगा। तो वही चीज़ है, इसको जैसे आउटपुट से कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्शन डिफरेंट ले लेगा, और टाइमिंग भी अपने को उसी तरह से उसको देना है। अब ऐसा नहीं है कि हॉबी है तो मैं दिन भर ही वही करे जा रहा हूँ, तो ये आपको बिल्कुल सोचना रहेगा कि मुझे सच में करना है या नहीं, यहीं पर आपका सेल्फ डिसीजन आता है कि आपको किस तरफ टर्न लेना है। और सच में अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं। आप ट्वेल्थ में, आपको लगता है कि आपको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, आप कॉलेज ज्वाइन कीजिए, पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, हालांकि वो अलग एस्पेक्ट है कि उसको पेरेंट्स को कन्विंस करना, और जो अपने मिडिल क्लास में होता है। तो रीसेंट मेरे पास में एक लड़का आया एंड ही टोल्ड मी कि सर मतलब मैं म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो जनरली जब जैसे बच्चे जब मुझे बोलते हैं आर्ट फील्ड में या म्यूज़िक में करियर को लेकर, तो इसमें क्या होता है कभी कभी कि बच्चों को ऐसा लगता है कि वो कर रहा है अच्छा, बट कहीं ना कहीं कंपेटिबिलिटी नहीं होती, हो सकता है वो उतना अच्छा गाना नहीं गाता। बट अब मैं उसको कैसे सजेस्ट करूँ ब्लाइंडली, क्योंकि अल्टीमेटली है कि 4 से 5 साल के बाद में उसने उसका जो भी है लाइवलीहुड है वो भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे में कभी कभी हम लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते, और हम लोग जो है वो डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं भाई हमने जो है वो म्यूज़िक करना, उसमें हम अच्छा कर जाए, तो उसके अंदर कभी कभी जो है वो डिसीजन गलत हो जाता है। तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि हमारी हॉबी, ज़रूरी नहीं कोई चीज़ हमको करना अच्छी लगती है तो उसमें हम करियर बनाएं या आगे प्लान करें, कभी कभी एज ए हॉबी भी हम उसको जो है वो रख सकते हैं, तो उसको लेकर हमने बात। अच्छा, एक 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 जो चीज़ है हमारी, जैसे आपका ये रहा है कि रीडिंग जो है, बुक रीडिंग जो है वो आपका एक बहुत अच्छी हॉबी जो है वो रही है, ठीक है। तो बुक्स को लेकर अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, तो जो रीडिंग हैबिट्स है आपकी वो आपको कहाँ कहाँ मतलब मदद करती है? अब रीडिंग का मुझे फिर से वही है कि फर्स्ट ईयर में जब मैं अलग अलग लोगों से मिला, जैसे अलग अलग चीज़ों में किया, क्योंकि ट्वेल्थ तक नहीं था इतना, ट्वेल्थ तक मैं यहाँ पर जैसे स्कूल्स में रहते हैं नंबर्स के पीछे, ट्वेल्थ बोर्ड, इलेवंथ में ट्वेल्थ की तैयारी, नाइन्थ में टेंथ की तैयारी, टेंथ में बोर्ड, हर चीज़ छूट जाती है। एक स्पोर्ट्स की तरफ जब मैं 8th क्लास तक सेंट्रल अकेडमी में था, और उसके तब तक वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट था, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी थे, गेम्स का पीरियड आता था तो खेल लेते थे, थोड़ा खेलते थे, टीम में सिलेक्शन भी हुआ था। तो फिर उसके बाद वहाँ से मैं निकला, 9th में निकल गया था, और फिर मैं LBS में आ गया, तो वहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर आते आते एक साल बाद 10th बोर्ड आ गई, और उसके बाद वो सब छूट गया, फिर उसके बाद वही नंबर्स पर ध्यान देना। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है कि डिफेंस फोर्सेज में जाना, तो एज एन ऑफिसर, तो उसके लिए आपकी पर्सनली थोड़ी सी डायनेमिक होनी चाहिए, और जो कि कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्योंकि परसेंटेज एब्सोल्युटली अच्छे नहीं थे, क्योंकि एवरेज थे, और एवरेज जिसके होते हैं वो बच्चे थोड़ा सा अपने यहाँ पर ऐसा एक कंसेप्शन बना हुआ है कि एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छा करते हैं, और नहीं वो ठीक ठीक भी है, ठीक भी है, वो उनको मतलब केवल पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों में भी ध्यान लगाते हैं, इसलिए वो एवरेज होते हैं पढ़ाई में। हाँ, लेकिन यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता नहीं है, जिनके परसेंटेज 60% 70% आ रहे हैं उनकी हॉबीज नहीं है कि देखने को मिलती कहाँ है, नहीं है कि कुछ ऐसी थिंग नहीं है कि जिसमें वो उसको खुद से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उसमें होता नहीं है, और फिर वो दिमाग में लेके बैठे हैं कि हम एवरेज हैं, हम कुछ अच्छा कर लेंगे। अब बात में यहाँ क्या अटकती है कि आप एवरेज हो, आपने दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करी है, तो आपका माइंड थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि हाँ आप ज़्यादा मसाले डालोगे तो सब्जी अच्छी बनेगी, तो एक ही चीज़ से आप वो अच्छी नहीं बनेगी। वर्सेटिलिटी इसी को डिफाइन करता है कि आप वर्सेटाइल कितने हो, इसका मतलब कि आपको अलग अलग चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है, आपने उनसे सीखा है। और एक कॉट यहाँ पर एक आता है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, तो मैं थोड़ा सा उसके खिलाफ हूँ एक्चुअली, कि मुझे भी ये लगता है कि शुड बी यू नो जैक ऑफ ऑल द ग्रेट्स, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ आप अगर सीख रहे हो तो ठीक है, आपने अपनी लाइफ उसको डिवोट कर दी है पूरी, लेकिन अगर आप अलग अलग चीज़ें सीख रहे हो तो क्यों अच्छा नहीं है। अच्छा, पढ़ाई में वेदर इट कैन बी लाइक मास्टर ऑफ वन
एंड जेक ऑफ रिमेनिंग जेक ऑफ रिमेनिंग वो और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा केक में मास्टर गोल लेकिन कुछ जैक भी रखो अपने पास में ज्यादा क्रिएटिवनेस होगी तो एब्सोल्युटली आपको ज्यादा फायदा तो होगा हॉबीज का फर्क मतलब आप ये मानते हैं स्ट्रांगली जैसे आपने बोला कि डिफेंस के लिए जो है वो आप प्रिपेयर कर रहे थे तो वहां पर जब आपकी हॉबीज होती है तो आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा मतलब एक्सपोजर देती है जितनी ज्यादा आपकी हॉबीज होंगी उतनी ज्यादा जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अच्छा क्रिकेट खेलता है बट देन ही प्लेज गुड फुटबॉल आल्सो है ना थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्टिंग भी कर लेता है गाना भी गा लेता है मतलब पर कुल मिला के ये है कि पर्सनालिटी के अंदर ही एडॉन्स होते हैं है ना जैसे रिसेंट एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था आई केम टू नो सुरेश रैना जो है बहुत अच्छा गाना गाता है ओके सो देन व्हेन आई गॉट दिस थिंग तो सुरेश रैना के लिए एक इज्जत जो है वो एक स्टेप जो है वो ऊपर आ जाती है यार श्रीचंद का पता चला ये डांसेस तो वो चीज़ आ जाती है सचिन तेंदुलकर का फिर अलग है कि वो म्यूजिक को लेकर हाँ रेसिंग करता है फिर म्यूजिक को वो मतलब बहुत बहुत अच्छा लिसनर है इवन हिज नेम इज लाइक सचिन बर्मन तो ये चीज़ होगी अब हम लोग जो है वापस पुरानी वाली बात के ऊपर आएंगे कि बुक्स को लेकर हम लोग जो बात कर रहे थे तो बुक्स जो है वो क्या रोल प्ले करती है अब जैसे डिफेंस को लेकर बात करें तो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है आप पेपर क्लियर कर लो या आपको कॉल आ जाता है लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको ऑफिसर ज्वाइन करना है आपको इंटरव्यू फेस करना है 5 days का इंटरव्यू होता है और सबसे जो मेजर पार्ट एक लीडर को देखा जाए एज एन लीडर आपको ले रहे हैं ऑफिसर हो आप लीड करोगे आप आर्मी के अंदर डायनेमिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए तो एज ए लीडर कम्युनिकेशन इज़ योर स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ है मुझसे तो कम्युनिकेशन क्या है आप अपने जो थॉट्स हैं उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ बिल्कुल ईजिली आप कंसाइज वे में उसको एक्सप्लेन कर पाओ ताकि सामने वाला समझ पाए कम्युनिकेशन ये सिंपल चीज़ है और अनफॉर्चुनेटली ये बात मुझे फर्स्ट ईयर में आके समझ में आई जब मेरे एनडीए के सारे चांसेस ख़त्म हो गए थे और तब मुझे समझ में आया कि मतलब मैं मेहनत कर रहा था आँख बंद करके बिल्कुल मुझे ऐसा लगा फिर मैंने अल्टीमेटली अपना जो टाइम है वो बुक्स की तरफ मोड़ा कि जो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन है थॉट्स आएंगे कैसे जनरेट होंगे कैसे आप अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे आप रीडिंग में इन्वॉल्व होंगे आपकी हॉबीज़ होगी कुछ तो आपके थॉट्स अपने आप इन्वॉल्व होंगे तो मैंने जो फर्स्ट बुक पढ़ी थी तो वो थी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा पहले मैं थोड़ा एग्रेसिव भी था 12th तक फर्स्ट ईयर तक थोड़ा सा मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस रहती थी गुस्सा आना पेशेंस का लेवल कम होना तो उसके लिए फिर मैंने ट्राई किया कि उसको पढ़ूँ मैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से बताया गया और उसने सच में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला लाइफ में और उसके बाद धीरे धीरे करके बुक सामने आती गई फिर मैंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मुझे याद है मैंने कपल ऑफ ये लव बुक्स मंगाई थी लव स्टोरीज बुक्स उससे भी और बुरे बुरे राइटर्स हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मतलब मैंने उनको मंगाई और उसका कारण क्या था मतलब was it something like you were in love or something nothing like that it was just जब मुझे पढ़ना था और उस टाइम कोई ऐसा ग्रुप नहीं था मेरे आसपास जो मुझे गाइड कर सके कि रीडिंग ही होती तो मैंने मोटिवेशन लाइक बुक में पढ़ चुका था मैंने सोचा कि ठीक है उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे अल्टीमेटली पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग तो उसमें रिव्यूज़ अच्छे थे मैंने कहा मंगा के देखते तो मैंने भाव को दो बुक्स तीन बुक्स मंगा ली थी और अल्टीमेटली एक बुक के मैंने 4 pages पढ़े होंगे मुश्किल से और वो कि वो बुक मैंने फिर मेरे एक दोस्त को मैंने डोनेट कर दी कि ये आप आपकी कैफ़े में लगाना वहाँ रख देना मैंने उनको बिल्कुल नहीं पढ़ी बस फिर उसके बाद आरोहण पे जैसे हम आए और आपसे जैसे इन्वॉल्व हुए तो फिर पता चला कि बुक्स जितनी भी अपन ने रीडर्स का होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद तो मतलब जैसे जो प्रोपेल हुआ इंटरेस्ट मेरा फिर ये जो व्यूज़ पढ़ना कोलो कोएलो और ये सब हो गए मतलब बिल्कुल एक अलग ही वर्ल्ड लगा मुझे और कम्युनिकेशन ऑफकोर्स इम्प्रूव हुआ इंग्लिश स्पोकन रीजनिंग एबिलिटी एक न्यूट्रल जो थॉट होता है वो आपको बुक्स की वजह से ही आ सकता है एब्सोल्युटली आप अगर एक ही चीज़ की तरफ रहेंगे तो आपका बायस थॉट्स होता जाएगा आप मान लेंगे उस चीज़ को कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है आप अननेसेसरी रीज़न निकालेंगे लेकिन एक न्यूट्रल माइंड जो होगा वो बुक्स आपको प्रोवाइड करेगा अच्छा एक 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 बुक जो है वो मैंने आपको पढ़ते हुए देखा और देखा कि आप उसके बारे में जो है वो बहुत मतलब बात करते हैं जो पोलो कोयलो की जो बुक थी जो बेस्ट सेलर बुक द अल्केमिस्ट तो उसको लेकर मतलब क्या मतलब उसको पढ़ने के बाद में क्या आपको लगा कि लाइक आप पर्सनालिटी के अंदर क्या मतलब चेंजेस महसूस हुए जैसे मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम जब मैंने अल्केमिस्ट पढ़ी थी तो मुझे वो इतनी खास लगी नहीं मतलब एक्चुअली बुक बहुत अच्छी थी स्टोरी उसके बारे में बहुत अच्छी हाइप बहुत बड़ा था उसके बारे में कि कोई भी बुक अच्छी है तो अल्केमिस्ट तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी तो मैंने उसको एक जनरल वे में एज ए स्टोरी उसको पढ़ना चालू किया और ठीक है बच्चा है स्टोन्स है एक
खजाने का सपना और वो सब बहुत इंस्पायरिंग भी लगी, अच्छी लगी मुझे। और फिर धीरे धीरे करके वो ख़त्म हुई, तो मैंने कहा जितना हाइप बना हुआ है उतनी पता नहीं क्यों नहीं लगी, या तो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा एक्चुअली। तो मैंने उसको फिर से अटैम्प्ट उसको किया एक डेढ़ महीने बाद, एक बुक इसमें मैंने बीच में ख़त्म कर दी थी, फिर मैंने उसको वापस अटैम्प्ट किया। तो उस बुक की अब मुझे ब्यूटी वहाँ समझ में आई कि धीरे धीरे जैसे जैसे, और हर बुक की ब्यूटी ब्यूटी यही होती है, मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको जितनी बार बार देखेंगे और आपको कुछ कुछ नई बातें निकल के आएंगी उसके अंदर, घुसेंगे नहीं। और मैं उस बुक को करीब 6 से 7 बार पढ़ चुका हूँ और पता नहीं उसको एक्सप्लेन भी नहीं होती है मुझसे, और मतलब बहुत मज़ा आता है उस बुक को पढ़ने पर कि अलग अलग बातें हर बार निकल के आती है कि डिटरमाइंड होना, आप वे से हटोगे आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस आएंगे उसको आप ख़त्म कर नहीं सकते हो, और हो सकता है आप हट भी जाओ, लेकिन जो आपकी विलिंगनेस है वो आपको फिर से वहीं पर लेकर आएगी। और अल्टीमेटली जो आपका आपका जो वे है डेस्टिनी, उसके अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल बताया गया है उसको, तो डेस्टिनी और ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर आपकी लेकर आएगी, आपकी मेहनत है, आपकी विलिंगनेस है, कि एक एक वो फ्रीनेस होती है, कि एक फ्रीडम होता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है मैं हैंडल कर लूँगा, वो कुछ शिप्स लेकर निकल जाता है कि मुझे ये नहीं करना है मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और वो निकलता है। और अल्टीमेटली बहुत अमेजिंग स्टोरी लगती है मुझे, और बस यही है। और ज़्यादा जाना तो उस बुक को इसमें इसमें क्या हुआ कि पोलो कोयलो ऑफकोर्स मतलब जो बेस्ट सेलर बुक यूजुअली हम लोग देखते हैं, जैसे कि चेतन भगत की बुक्स आती हैं उनके ऊपर मूवीज़ वगैरह जो बन जाती है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके ऊपर मूवीज़ बनती हैं। पोलो कोयलो के एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि पोलो ऑफकोर्स जब बेस्ट सेलर बुक है और इतना अमेजिंग स्टोरी उसका, तो डेफिनेटली डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया होगा कि लेट्स मेक मूवी ऑन इट। पोलो कोयलो हैज सेड इस बुक के ऊपर मूवी कभी नहीं, सेड कि जो रीडिंग इसकी जो ब्यूटी है इसकी रीडिंग में बस वो यही रहेगी, तो इस बुक को जो है वो मतलब इस बुक के ऊपर मूवी नहीं बनाई जाएगी, लाइक ही वाज एडमेंट टू दिस थिंग। ठीक है, उनकी लाइफ के ऊपर मूवी बनी है, बट इस बुक के ऊपर जो है उन्होंने इट डिडंट से कि नहीं मूवी जो है वो नहीं बनेगी, दिस विल रिमेन अ बुक। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बुक्स को लेकर तो खैर हमारी बात हुई, हॉबीज़ को लेकर हम लोगों ने काफ़ी सारी आज जो है वो बात की है, और मतलब हालांकि हॉबीज़ को लेकर जितनी बात करें उतनी बात जो है वो कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो स्पेसिफिकली प्लान करेंगे, जैसे बुक्स वाली जो बात है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लाइक वी आर हैविंग लॉट मेनी बुक्स, उनके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं और उसको मतलब कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को कौन सी पढ़ना चाहिए, कॉलेज गोइंग को कौन सी पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, तो उसको लेकर डेफिनेटली मुझे लगता है हमें एक वीडियो जो है वो बनाना चाहिए। तो प्रांजल, जो हम लोगों ने हॉबीज़ को लेकर जो है बात की, और आप लोग बताइएगा, मतलब मुझे ये लगता है कि हॉबीज़ जो है वो अगेन कंक्लूड अगर हम लोग इस सेशन को करें तो हॉबीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं उसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा मास्टरी हो। ठीक है, हॉबीज़ को आप जो है वो जनरल वे के अंदर ले सकते हैं, लाइक आपको पेंटिंग पसंद है तो ज़रूरी नहीं आप बहुत सुंदर पेंटिंग बनाएं। ठीक है, नॉर्मल अगर पेंटिंग भी होगी तो भी चलेगी, बस फ़र्क ये है कि आपको अगर आपके मन को अगर अच्छा लगता है तो यू मस्ट डू इट। आप गिटार बजाएं, आप गाना गाएं, है ना, गाना गाएं, बट हाँ ऑफकोर्स जैकेट के भी आसपास कोई ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि आपकी गाना गाना हॉबी हो सकती है बट इट डजेंट मीन कि आप किसी और के गान खराब करें। तो कहने का मतलब जो है कि हॉबीज़ हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे उसके अंदर करते हैं, बट देन हॉबीज़ यू मस्ट परस्यू, है ना, एक दिन करते करते हम अच्छे जो है वो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रांजल आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आप लोग जो है वो भी हमको बताएं, है ना, क्योंकि एक इनफॉर्मल टॉक था तो हमने कुछ सच कुछ प्रिपेयर नहीं किया इसके लिए, बट देन टू आपके जो भी फीडबैक्स हों वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो ज़रूर लिखें, और दैट्स इट। अपनी माटी के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, और इसके बाद में लाइक वी रियली प्रॉमिस कि इससे ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाएंगे। आई डोंट नो अभी किस तरह का रहा है, ठीक है, बट देन विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।